सो लास्ट सेशन वी डिस्कसिंग अबाउट द जे मीटर ट्यूटोरियल. सो टिल नाउ वी कवर्ड टोटल 8 लेक्चर्स, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लाइक हाउ कैन वी कन्वर्ट द लोड एंड द स्क्रिप्ट ऑन द जे मीटर. सो इफ एनी वन मिस द प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स, जस्ट गो एंड वॉच द प्ले लिस्ट. आई विल शेयर द लिंक ऑल्सो ऑन द डिस्क्रिप्शन. सो लास्ट वीडियो सेक्शन नंबर 8 वी डिस्कस अबाउट द कोरिलेशन पार्ट. सो विल सी फॉर टुडे. सो वॉट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू, वी हैव द टू स्टेप्स. लाइक वी आर गोइंग टू लॉन्च द एप्लीकेशन, देन वी विल सेलेक्ट एनी ऑफ द कैटेगरी. सो दोज टू स्टेप्स आई रिकॉर्डेड ऑन द लोड रनर स्क्रिप्ट. सो दैट इज माई लोड रनर स्क्रिप्ट वेयर आई जस्ट कंप्लीटेड द पैरामीटराइजेशन, कोरिलेशन, एवरीथिंग. सो आई वॉन्ट टू कन्वर्ट दैट लोड रनर स्क्रिप्ट ऑन अवर जे मीटर सेट. सो हाउ कैन वी डू दैट थिंग्स, जस्ट विल स्टार्ट एंड विल सी. सो वॉट द चेंजेस यू नीड टू डू, फर्स्ट ऑन द जे मीटर साइड आई जस्ट ओपन द जे मीटर. अंडर द टेस्ट प्लान यू नीड टू क्रिएट द वन थ्रेड ग्रुप, एंड आफ्टर दैट अंडर द टेस्ट प्लान यू नीड टू गो ऑन द एड एंड जस्ट गो ऑन द नॉन टेस्ट एलिमेंट एंड सेलेक्ट द HTTP स्क्रिप्ट रिकॉर्डर. देयर द टू थिंग्स यू नीड टू डू, फर्स्ट यू नीड टू सेलेक्ट द एनी ऑफ द पोर्ट नंबर. सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक द 4x8, एंड देयर अंडर द टारगेट कंट्रोलर यू नीड टू सेलेक्ट द टेस्ट प्लान थ्रेड ग्रुप. ओके, एंड देन आफ्टर दैट आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. ओके, नाउ द रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड ऑन अवर जे मीटर. हाउ कैन आई गो ऑन द लोड रनर साइड? सो लोड रनर साइड ऑल्सो यू नीड टू डू द वन स्मॉल चेंज. अंडर द प्रॉक्सी यू नीड टू चेंज द प्रॉक्सी देयर एंड जस्ट पुट द लोकल होस्ट, एंड द सेम प्रॉक्सी पोर्ट नंबर शुड बी वॉट एवर यू आर प्रोवाइडेड ऑन द जे मीटर. सो जे मीटर ऑल्सो आई गिवन द 4x8, एंड देयर ऑल्सो आई जस्ट गिवन द 4x8. नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू रिप्ले माई लोड एनर स्क्रिप्ट. सो टिल नाउ इफ आई विल शो अंडर द थ्रेड ग्रुप इज नथिंग. ओके, सो विल सी वॉट द थिंग इज गोइंग टू कम देयर. सो आई जस्ट रिप्ले दैट द लोड एनर स्क्रिप्ट. सो वंस द लोड एंड स्क्रिप्ट विल बी गो एंड टू एंड सक्सेसफुल, देन दोज ऑल ट्रांजेक्शन इट विल कैप्चर ऑन योर जे मीटर. विल सी इट इज लॉन्च द एप्लीकेशन, देन द सेकेंड ट्रांजेक्शन कैटेगरी. ओके, सो नाउ यू कैन सी द लोड एंड साइड अवर स्क्रिप्ट हैज बीन सक्सेसफुली रन. नाउ यू गो ऑन योर जे मीटर एंड स्टॉप द रिकॉर्ड. क्लिक ऑन द स्टॉप. ओके, सो आफ्टर दैट यू कैन सी अंडर द थ्रेड ग्रुप नाउ द टू रिक्वेस्ट इज क्रिएटेड. ओके, एंड द बोथ आर द थिंग्स वाट एवर यू डिड द स्टेप्स ऑन योर देयर, लाइक लॉन्च द एप्लीकेशन देन क्लिक ऑन द एनी ऑफ द कैटेगरी. सो दोज थिंग्स हैज बीन कैप्चर्ड देयर. सो दिस इज अवर रिक्वेस्ट फॉर लॉन्च द एप्लीकेशन, एंड इफ यू गो ऑन दैट रिक्वेस्ट दैट इज योर कैटेगरी आईडी एज द बर्ड. सो दैट मीन्स इट सेलेक्टेड एज योर बर्ड कैटेगरी. सो ओनली वॉट द मॉडिफिकेशन यू नीड टू डू, जस्ट चेंज द ट्रांजेक्शन नेम. सो दिस इज अवर लॉन्च एप्लीकेशन. सो आई जस्ट गिवन हेयर 01 लॉन्च, एंड द सेकेंड ट्रांजेक्शन इज अवर कैटेगरी. सो आई विल जस्ट पुट द ट्रांजेक्शन इज कैटेगरी. नाउ I want to replay like whatever we recorded, everything has been fine or not. First, just disable that one and add the listener to check your result. So, listener view result tree, and there I am just going to replay it again. So, first I will save that script. So, I am just giving demo 12, I just given the name. I just replay the script and we'll see. Okay, so here you can see the both requests also went the fine. And if you go on the HTML mode, so there also you can see it is coming the same whatever we are getting on the UI side. So that's the way we can do the changes on your load runner script. So the step is like you need to just change the proxy there, local host and the port number. That the things you need to do on the load runner. On the JMeter side, under the test plan, you need to create the thread group
Under the thread group, again the test plan you need to create one test script recorder, and there you need to give the same port number whatever you are going to use for your loadrunner side. And the target control you need to select as the target test plan under the thread group. So that's the simplest way how can we convert the loadrunner script on the JMeter. Okay. So that thing just I want to discuss on today's session. On the next session we will see some another concepts about the JMeter side. And if anyone missed the previous sessions, just please go and watch it. And if anyone want new technical sessions also, you can comment on the comment box. And of course, if you have any doubt, just comment there. I will try to get back to you as soon as possible. Okay, thanks to all. Thanks for watching the video.